Students, my name is Rizwanur Rahman, lecturer in physics from National College. We are going to discuss the chapter number 9, Nature of Light. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो अराइज होता है वो है व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो जनाब लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रांसमिट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी खास मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम है तब भी ये मूव कर जाती हैं, मीडियम नहीं है तब भी ये मूव कर जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which can transmit with or without medium is called light. अब जो हमारा जनरल परसेप्शन ये है कि लाइट वही है जो हमें देखने में मदद दे रही है या जो हमें दिखा रही है, लेकिन इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आर दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आईज। हम तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख नहीं सकते बल्कि एक बहुत शॉर्ट स्पेक्ट्रम है जो हम देख सकते हैं, इसे हम विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अ वेरी शॉर्ट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ विजिबल लाइट। बहुत छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल लाइट पर मुश्तमिल होता है। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल टू ह्यूमन आई। बाकी बचा हुआ तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो इनविजिबल है, वो हमें नजर नहीं आता, ना हमें वो नजर आने में मदद देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप देख सकते हैं कि इसमें रेडियो वेव्स से ये शुरू हो रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, फिर माइक्रोवेव्स। आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ रेडियो वेव के मुकाबले में शॉर्ट है, फिर इंफ्रारेड, इनकी वेवलेंथ और कम है। इंफ्रारेड तक, रेडियो वेव से लेकर इंफ्रारेड तक हमारे पास जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये इनविजिबल है, और उसके बाद हमारे पास विजिबल रीजन शुरू होता है जो एक बहुत छोटा सा रीजन है जिसे हम 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक लेते हैं, रेड से लेकर वॉयलेट तक ये विजिबल है। इससे पहले भी तमाम स्पेक्ट्रम इनविजिबल स्पेक्ट्रम है और इसके बाद का स्पेक्ट्रम भी इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट लाइट आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा और वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, फिर एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ और ज्यादा शॉर्ट होती है, और गैमा रेज जिनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है, और ये तमाम की तमाम इनविजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत शॉर्ट स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो विजिबल है, उससे पहले और उसके बाद सारे का सारा रीजन आपके पास इनविजिबल रीजन है। अब कई साइंटिस्ट ने बहुत पुराने जमाने से लाइट को डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहली कोशिश जो है वो न्यूटन की थी। सबसे मशहूर पहली कोशिश जो है वो न्यूटन की थी, जैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। और 16 सेंचुरी में न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। A luminous body emits corpuscles in all direction with tremendous speed and they move in straight lines. Newton ने कहा कि एक luminous यानी चमकती हुई body जो है वो light emit करती है, और ये light जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है जो corpuscles कहलाते हैं, और ये ज़र्रात का concept जो है वो basically Newton का था कि light particle है, और इसकी मदद से जो हमारे पास टॉपिक क्लियर हुए, जो फिनोमेना लाइट के क्लियर हुए, वो थे
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का एक सरफेस से टकरा कर वापस पलटना। आपको पता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से टकरा कर दूसरी जगह एक जगह से टकरा कर वापस पलटते हैं। लाइट भी ऐसा ही करती है, जब किसी शाइनी सरफेस से टकराती है, किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस पलटती है। इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये इसका बिहेवियर कैसा बिहेवियर है, ये इसका बिहेवियर पार्टिकल बिहेवियर है। इसी तरह डाइफ्रेक्शन, लाइट का अपने रास्ते को किसी एज से टकरा कर तब्दील कर लेना, और शेडो फॉर्मेशन, साए का बनना, यानी लाइट जब किसी चीज से टकराती है तो जाहिर है लाइट उसको क्रॉस नहीं करती तो पीछे डार्कनेस आ जाती है, यानी साया बन जाता है। तो ये फिनोमेना थे जो न्यूटन का आपसों थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे थे। उसके बाद वेव थ्योरी आई, क्योंकि सारे फिनोमेना लाइट के न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे तो वेव थ्योरी आई। और वेव थ्योरी में 1678 में डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइजन थे, इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव है, कि ल्यूमिनस बॉडी जो है वो मैकेनिकल वेव का सोर्स होती है। इस मैकेनिकल वेव को उसने लाइट तसव्वुर किया था, और क्योंकि उस जमाने में कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की बात की जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, और वो ईथर था। क्योंकि मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए जाहिर है किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो उसने एक तसव्वुराती मीडियम के तौर पर ईथर को पेश किया कि लाइट के लिए ईथर मौजूद होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, जो कि गलत अंदाजा था उसका। लेकिन बहरहाल काफी दिनों तक उसकी थ्योरी को वैलिडेट किया गया, और इस थ्योरी से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, क्योंकि लाइट वेव है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है, डिस्पर्शन लाइट का अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट का इंटरफेयर करके नई वेव बना लेना, ये सारे फिनोमेना इस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आती है सामने वो ये आती है कि आपको पता है कि लाइट जो है वो वेव भी है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, और लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, जबकि ये थ्योरी सिर्फ एक हैसियत पर बात कर रही है। न्यूटन थ्योरी ये कह रही है कि जी लाइट पार्टिकल है, और वेव थ्योरी ये कह रही है कि लाइट जो है वो वेव है। फाइनली क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, जिसने लाइट की ड्यूअलिटी के मुतालिक बात की। 1900 में मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, लाइट जो है वो एनर्जी पर कंसिस्ट करती है, और इन एनर्जी बंडल्स को हम क्वांटा कहते हैं। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, इट शोज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज वेव कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक साथ शो करती है, क्योंकि ये एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ क्वांटा इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ ई से मुराद एनर्जी है, न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी, और एच से मुराद प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये जनाब थ्योरी थी जिसने पहली दफा लाइट को फुली एक्सप्लेन किया कि लाइट दोनों नेचर्स रखती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, और एक्चुअली लाइट जो है वो एनर्जी है। तो उम्मीद करते हैं कि लाइट की नेचर के मुताबिक ये थ्योरीज आपको समझ आई होंगी, और किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।